नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम युवराज सिंह राजपूत है और अभी हम लोग जस्ट राजेंद्र कुमार का B1 निकाले। तो इसके बाद इसका दूसरा प्रोसेस होता है कि यदि आप राजेंद्र कुमार के घर जाते हैं तो इनके आधार कार्ड और इनका बैंक डिटेल और इनका मोबाइल नंबर, साथ साथ यदि ये किसान KCC उठाते हैं तो KCC बैंक और उनका अकाउंट नंबर और उनका लिमिट आप कलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऋण पुस्तिका को लेके उनके जितने भी खसरा नंबर है उनको एक कॉपी में रजिस्टर करेंगे या फिर इस पोर्टल के सहायता से वहीं पे एंट्री करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं गूगल में और गूगल के सबसे ऊपर बार में देखते हैं तो इसमें एक कृषक पोर्टल दिखा है। इसको खोलने के लिए इसमें पूरा लिखा है 164.100.113.102, ये आप टैप करेंगे, जैसे कि 164. है ना, 100 डॉट, तो ये दोस्तों आप टैप करना पड़ेगा। उसके बाद इसको क्लिक करोगे तो कृषक पोर्टल, ये छत्तीसगढ़ शासन का कृषक पोर्टल एप्लीकेशन जो चालू हो जाएगा, उसमें आपको यूज़र में जाना है। यूज़र में जाने के बाद जैसा कि मेरा यूज़र अकाउंट और यूज़र आईडी है तो उसके थ्रू लॉगिन होगा, तो इसमें मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन होने के बाद ऊपर में जो फ्रंट में तीन डंडियाँ दिए हैं, है ना, छत्तीसगढ़ शासन के जस्ट बगल में, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको कृषक पंजीयन में जाना है। कृषक पंजीयन में जाने के बाद कृषक से आधार नंबर लेने की सहमति यस करना है। उसके बाद कृषक का आधार नंबर जो आपने कलेक्शन किया है उसको एंटर करेंगे। तो कृषक का आधार नंबर मैं आपको एंटर करता हूँ। इसको सही से ही भरना पड़ेगा क्योंकि ये गलत होगा तो पूरी प्रोसेस गलत हो जाएगी। ये होने के बाद आप इसमें कृषक का नाम डालेंगे, राजेंद्र, जैसे इसके आधार कार्ड में लिखा होगा। उसके बाद ग्राम सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसके पिताजी का नाम जो है गेंदूराम। गेंदूराम है संबंध इसके पिताजी। जन्म तिथि है इसका, टैप करना है और ये इसके आधार कार्ड में रहेगा। इसका जन्म तिथि है 2/1/78। वर्ग इसका ST, लिंग इसका पुरुष और इसका राशन कार्ड नंबर, यदि उसके पास राशन कार्ड है तो उसका नंबर डालना है। घर का पता में जैसे इसमें गांव का नाम डालना है। पिन कोड में डालना है 491228। मोबाइल नंबर जो आपने उनके द्वारा पूछा गया और कलेक्ट किया है तो मोबाइल नंबर इसका है 8720847533। बैंक चूज करना है बालोद। इसका बैंक है देना बैंक है, तो बैंक चुनेंगे हम लोग यहाँ पे देना बैंक। शाखा पूछेगा तो इसका शाखा नर्रा टोला है और इसके IFSC कोड यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट हो गया। हमको इसके बैंक अकाउंट नंबर दिखना है तो इसके बैंक अकाउंट नंबर है KCC डिटेल। इनका KCC डिटेल फ़िलहाल नहीं है, है ना, और अगर है किसी किसान का तो इसमें KCC डिटेल, KCC के कार्ड क्रमांक और साख सीमा कितना है, पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा हम उसको पूछ के यहाँ पे इंटर करेंगे। तो इसको सुरक्षित करते हैं। अब सुरक्षित करने के बाद ये लेवल 2 में जाता है और लेवल 2 में लैंड का रिकॉर्ड, कौन कौन से इनकी कितनी कितनी भूमि है, तो इनकी बात जो है ग्राम में लिखते हैं खैरवाही, सिंचित,
ये इनकी टोटल भूमि असिंचित है, कैफियत मतलब इनमें से कुछ में सिंचित अगर है तो इनमें से नहीं आएगा। ऋण पुस्तिका क्रमांक, आप जैसे कि इनका ऋण पुस्तिका क्रमांक 10640 है, आप उनको उनके ऋण पुस्तिका में लिखा हुआ उसका क्रमांक लिखना है। पटवारी हल का नंबर खैरवाही का 20 है और इसका खसरा क्रमांक जो है 95 और इसका रकबा है 144। दोस्तों इसमें पूरी खसरा का एंट्री करना है, उसके ऋण पुस्तिका में जितनी खसरा दिया है पूरे एंट्री करना है। यदि आपको पूरा खसरा पूर्ण रूप से समझना है तो आप किसी एक खसरा को लेके उसके B1 निकालेंगे तो उसमें पूरी खसरा आपको स्पष्ट रूप से दिख सकती है। B1 निकालने का प्रोसेस भी वीडियो के माध्यम से आपको बताया हूँ। तो इसके बाद इसमें जैसे इसका 4 खसरा है तो इसमें खसरा जोड़ें, खसरा जोड़ने के बाद इसका दूसरा खसरा क्रमांक है 648/1 और 648/1 है इसका रकबा है 040। फिर खसरा जोड़ें, जितना खसरा है इसके पास इसमें सबको एंट्री करना पड़ेगा। इसके बाद 474 0.25 खसरा जोड़े, 103.80 ये जोड़ने के बाद, पूरे खसरा जोड़ने के बाद इसको सुरक्षित करें। सुरक्षित करने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या किसान किसी प्रकार की उपकरण को अपना स्वयं के व्यय से खरीदा है क्या, यदि हाँ तो इसमें जानकारी भरें। इन्होंने किसी प्रकार की उपकरण नहीं खरीदे इसलिए इसमें जानकारी नहीं भरी जाएगी। कृषक की योजना के लिए गए लाभ का विवरण, इसमें लाभ कृषक योजना जो है ये जैविक खेती से जुड़ा हुआ किसान है और इसको राज्य पोषित जो है योजना से जोड़ा गया था। इस योजना का नाम है जैविक खेती मिशन योजना। इस योजना के तहत इसको वित्तीय अनुदान दिया गया था जैविक खेती प्रदर्शन पर। लाभ का प्रकार वित्तीय अनुदान, अनुदान राशि इसको 10,000, कृषक अंश 0 था तो कुल अनुदान इसको 10,000 के समान दिया गया था, पैसा नहीं दिया गया था। कृषक के फसलों का विवरण, फसल कौन कौन सा फसल लगाया है, कृषक फसल के विवरण में आप उनसे पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा पूछेंगे कि कौन सी फसल आप लगाए थे। तो खरीफ में ज़्यादातर डोंडी में धान की खेती की जाती है तो मैं इन किसान को धान की रकबा डाल रहा हूँ। जैसे जैसे इनकी टोटल रकबा मान लो जाए इनके B1 के आधार पर इनका टोटल रकबा 250 है तो 250 में आप उनसे पूछेंगे कि क्या 250 में धान की खेती करते हैं, यदि हाँ बोलेंगे तो 250 डालने हैं, अदरवाइज़ नहीं। इन्होंने 170 में धान की खेती की है और मैं इनको 170 में इसको सुरक्षित करता हूँ। दोस्तों कृषक की जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। अब इसमें और किसी दूसरे किसान का एंट्री करना है पुनः यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। ध्यान रहे दोस्तों कि खसरा जोड़ते समय सभी खसरा को, ऋण पुस्तिका के सभी खसरा को जोड़ें। यदि समझ ना आए तो किसी एक खसरा नंबर से उसका B1 निकाल के पूरी खसरा को आप जोड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए थैंक यू। मैं आई होप कि आप 36 और 66 के कृषक पंजीयन फार्म में पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।